तो हेलो यूटेक फैमिली, कैसे हो आप सब। तो यार मेरा नाम है निखिल और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको यूटेक टीम के माध्यम से कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी इशू आता है, जैसे कि आपको कोई पेमेंट नहीं होता है, कोई ट्रांजेक्शन में कोई इशू आ जाता है, तो उस चीज़ को आप लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो भी यूटेक टीम की हेल्प लेके, वो इस वीडियो में कम्प्लीट बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने फ़ोन का मोबाइल स्क्रीन ओपन करना है एंड यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आपको ईमेल वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको जाना होगा। जाने के बाद सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे तो ये इशू आ रहा है, मेरा ये रिचार्ज नहीं हो रहा। नहीं, रिचार्ज हो रहा होगा लेकिन आपने यहाँ तो फ़ोन नंबर गलत डाल रखा होगा। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार इशू को अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपने कोई रिचार्ज किया या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ, पेंडिंग आ रहा है स्टेटस, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ईमेल वाला ऑप्शन जो है इसे ओपन करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर ईमेल वाला ऑप्शन ओपन करूँगा एंड प्लस वाला जो आइकन है इस पर हम लोग जाएंगे। सो हम प्लस आइकन पे जाने के बाद टू मतलब आप जिस भी कंपनी को मेल करना चाहो वो, तो यूटेक की सपोर्ट लाइन पे आपको कांटेक्ट करना है। तो आप लोग ईमेल के थ्रू वो कांटेक्ट कर सकते हो। तो यूटेक का है utekindia.com, लिख देता हूँ india.com। तो ये हम लिख लेंगे www.utekindia.com है। इसके बाद आप लोग अपना सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपका इशू है आप लिख सकते हो कि सर मैंने इतनी रेट को लाइट का बिल जमा किया था बट आज ये तारीख है और मेरा स्टेटस अभी भी पेंडिंग आ रहा है, तो मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये मेल आपका कंपनी तक पहुँचता है तो वो आपकी प्रोफाइल को जज करते हैं एंड आपका जो भी इशू होगा वो खुद से सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग अपना स्क्रीनशॉट भी, यहाँ पर ये ऑप्शन है अटैच फाइल पे जाके स्क्रीनशॉट भी आप लोग अटैच कर सकते हो, राइट। तो हम लोग वहाँ पर बैक जाते हैं एक बार वापस। तो इस तरह से आप लोग यूटेक टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और ये आपकी प्रॉब्लम 24 आवर्स के अंदर अंदर सॉल्व कर देती है। अब सेकंड चीज़, जैसे ही मान लीजिए अगर आप, तो ये तो कंपनी से रिलेटेड कि अगर आपका कोई रिचार्ज नहीं होता है या आपको कंपनी से कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग वो सब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दिन कोई रैंक अचीव करते हो, जैसे सिल्वर रैंक, ब्रॉन्ज रैंक, तो वहाँ पर आप कंपनी को बोल सकते हो कि मैंने सिल्वर रैंक अचीव कर लिया और मेरे को एक फ़ोटो जो चाहिए होता है जिससे अपना फ़ोटो भी लगता है, तो वो भी आप फ़ोटो वहाँ पर अटैच करके सेंड कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ होती है। अब सेकेंड चीज़, जैसे आप कंपनी को यूटेक के माध्यम से ईमेल ना टिकट ऐड करना चाहो, तो टिकट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई रिचार्ज कराया, अगर आपने गलत रिचार्ज कर दिया, गलत प्लान सेलेक्ट कर दिया, तो आप लोग पैसे को रिफंड कराना चाहते हो तो उसके लिए टिकट करना होता है। तो सबसे पहले अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सर्विस अकाउंट पे जाएंगे एंड शो पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी मेरी कोई भी सर्विस शो नहीं हो रही, तो मैं एक बार डेट चेंज कर देता हूँ। सो इसे शो करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे ये सब रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुके हैं, बट यहाँ पर मान लीजिए अगर पेंडिंग आता तो मैं यहाँ पर प्रिंट पे जाके नीड हेल्प करता और मैं यहाँ लिख सकता था कि सर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग आ रहा है, मैं क्या करूँ। या आप लोग अगर गैस बुक करवाते हो, गैस बुकिंग पे अगर आपकी गैस डिलीवर नहीं होती है तो भी आप लोग टिकट करो। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपनी यूटेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कैसे कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और यूटेक से जुड़ी कोई भी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ आप उसको सबसे पहले देख सको। तो चलो मिलेंगे सुनने वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।